तो जी यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर की न्यू रेसिपी, एकदम न्यू रेसिपी है। तो उसको बनाने के लिए मैंने कुकर में 2 कड़छी तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल ले लिया, आप इसकी जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो जी अब इसको मैं प्याज को इसी तेल के अंदर अच्छे से भून दूँगी, और इसके साथ ही मैंने 5-6 लहसुन की तुली है उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और उसको भी इसी प्याज के अंदर अच्छे से भून लेती हूँ। और आप इसकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। और देखिए जी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। फ्रेंड्स हल्दी को एकदम कम डालना है, अगर आप आधी चम्मच डालते हैं तो उससे भी आधी डालिएगा। और जी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और जी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, डाला है धनिया पाउडर, और ये है ज़ीरा। तो ज़ीरे के साथ ही अब हम डालेंगे लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं बिल्कुल हल्की सी डालूंगी क्योंकि मेरी मिर्ची बहुत तीखी है। तो जी अब देखिए सारी चीज़ें मैंने तेल के अंदर डाल दी हैं, तो इसी के साथ ही अब हम डाल देंगे आलू है, ये आलू 3 आलू हैं, उसको मैंने अच्छे से काट लिया था, और काटने के बाद इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे आलू को भी, और अब इसको भी अच्छे से भून देंगे। तो जी फ्रेंड आपको कलर देखिए, आप कलर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बढ़िया बनने वाली है। तो इसके साथ ये 1 कटोरी मटर है, आलू और मटर को मैंने डाल दिया इसी तेल के अंदर, और अब इसको अच्छे से भूनूंगी, और जब तक भूनना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। तो तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है, तो मैं इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी डाल दूँगी। 1/2 ग्लास पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3 टमाटर हैं, तो 3 टमाटर को मैं इसके अंदर डालूंगी। अब टमाटर को भी अच्छे से भूनना है फ्रेंड, जब तक सब्ज़ी अच्छे से भूनेगी नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी कितने अच्छे से भून गई है, इसमें कोई टमाटर और प्याज आपको नज़र नहीं आ रहा, और कलर देखिए कितना ही बढ़िया आ गया है। तो इसी तरह आपको भी भूनना है फ्रेंड, बिल्कुल हल्दी को कम डालना, हल्दी ज़्यादा डालिएगा तो सब्ज़ी काली कर देगा, सब्ज़ी को काली कर देगा। तो देखिए भूनने की यहाँ तक हमने अच्छे से भून लिया है, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। तो पानी आप कम ज़्यादा डाल सकते हो, आपको ग्रेवी ज़्यादा रखने तो आप पानी ज़्यादा लीजिए। फिलहाल मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, मैं 1 ग्लास पानी डालूँगी इसके अंदर, और अब मैं इसको डिलवाऊँगी, 2 सीटी दिलवा दूँगी। तो जी फ्रेंड 2 सीटी डालने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर इसका कितना ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा 2 सीटी के अंदर ही। तो जी 2 सीटी दिलवाने के बाद अब हम जा रहे हैं कुकर को खोलने। तो देखिए जी फ्रेंड कुकर खोलने के बाद देखिए कितना ही बढ़िया कलर, मटर का कलर देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीटी दिलवाने के जस्ट 1 सेकंड के अंदर अंदर कुकर के ढक्कन को खोल दिया। अगर आप उसी स्टीम के अंदर रखिएगा तो मटर का रंग एकदम फीका पड़ जाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए सब्ज़ी की रंगत कितनी अच्छी है, और सब्ज़ी बन के कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो एक बार मैं इसको डालती हूँ प्लेट के अंदर, और डालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। और जी फ्रेंड आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए मैंने सारी सब्ज़ी को प्लेट के अंदर डाल दिया है, और फ्रेंड सच में ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गई है। तो जी कितनी आसानी से मैंने बना दी है आलू मटर की रेसिपी। तो जी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।